অনুষ্ঠান আৰু বিশ্ব যুৱ বিকাশ দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু বিশ্ব যুৱ বিকাশ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগবঢ়াইছো এই কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তো জীৱন ঠহৰ যাতা হয় এক ৰুকাৱট সে মহসুস হতি হয় এক প্ৰকাৰ সে ৱো ব্যক্তি আপনে ব্যক্তিত্ব কো আপনি পাৰ্চনেলিটি কো হি বোঝ বনা দেতা হয় और खुद के लिए नहीं अपने स्वजनों के लिए भी बोझ बन जाता है। वहीं स्किल के प्रति आकर्षण जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है। स्किल सिर्फ रोजी रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जिद चाहिए, तो स्किल हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है, हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है, ऊर्जा का काम करती है। और उम्र कोई भी हो, चाहे युवावस्था हो या बुजुर्ग, अगर आप नई नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम नहीं होगा। साथियों, स्किल की क्या ताकत होती है, इससे जुड़ा हर किसी का कुछ न कुछ अनुभव होगा। मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है, और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था, और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था। तो एक बार एक संस्था के साथ, उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे। लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय चली नहीं। अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी। हम सब लोग लगे, काफ़ी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं। आखिरकार 7-8 बज गए तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया। उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया। फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपया। उस जमाने में 20 रुपये की कीमत बहुत होती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपये मांग रहे। उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पे प्रभाव करता है। उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूं, 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है। मैं समझता हूं यही होती है स्किल की ताकत। स्किल आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, प्रभाव को प्रेरक बना देता है। और साथियों, यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको ही खुद को धीरे धीरे आ जाता है, और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। और इस फर्क को समझना शासन से लेकर के समाज के हर स्तर पर बहुत जरूरी होता है। आज भारत में नॉलेज और स्किल
दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। আর বিশ্ব যুব দক্ষতা বিকাশ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশেষকৈ দেশৰ যুৱসকলক উদ্দেশ্যে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে বিশেষ কাৰ্যসূচীত। খবৰ ধৰা অব্যাহত থাকিব, লৈছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।